नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन आयोग ने 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी थी। आयोग की समय सीमा आज खत्म हो रही है। ऐसे में हलचल है कि किस प्रदेश में कौन बाजी मारेगा और किस दिग्गज की सीट फंस रही है, आज इस रिपोर्ट में देखिए। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को खत्म हो जाएंगे और शाम को ही एग्जिट पोल आना शुरू भी हो जाएगा। ऐसे में सभी दिग्गज उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हैं और हर कोई 3 दिसंबर का इंतजार कर रहा है। ऐसे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 6 दिग्गज चुनाव हार रहे हैं या मुश्किल में हैं। तो आज हम बीजेपी के मध्य प्रदेश के 6 दिग्गज नेताओं के बारे में आपको बताएंगे कि उनके चुनाव की स्थिति आखिर क्या है। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपने 7 सांसदों को टिकट दिए हैं। आप जानते हैं कि मतदान के कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री के बेटे का करोड़ों रुपए के लेन देन का एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से सीएम की दौड़ में शामिल माने जा रहे मंत्री एकदम से बैकफुट पर आ गए। उस लीक ऑडियो वीडियो का दिमनी विधानसभा सीट की वोटिंग पर क्या प्रभाव पड़ा, ये एग्जिट पोल में सामने आने की उम्मीद है। प्रहलाद पटेल, बीजेपी के दिग्गज नेता प्रहलाद पटेल की नरसिंहपुर विधानसभा सीट के भी एग्जिट पोल का जनता को बेसब्री के साथ इंतजार है। छोटे भाई की सीट पर खड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री यहां विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करने आए हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस उम्मीदवार काफी टक्कर देते हुए उन्हें नजर आ रहे हैं। ऐसे में शाम को देखना दिलचस्प होगा कि उनकी सीट के एग्जिट पोल के क्या नतीजे आते हैं। बीजेपी सांसद राकेश सिंह, बीजेपी ने अपने दिग्गज सांसद राकेश सिंह को महाकौशल के जबलपुर पश्चिम से उम्मीदवार बनाया है। 4 बार के सांसद राकेश सिंह को जबलपुर जिले की पश्चिम विधानसभा सीट को एक बार फिर बीजेपी के खाते में लाने का काम सौंपा गया, लेकिन जनता काफी नाराज नजर आती है और चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि इनकी सीट मझधार में फंसी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एग्जिट पोल बीजेपी का दांव कितना सही बताता है और कितना गलत। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के महासचिव और बंगाल के प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त इंदौर में खाद छान रहे हैं और अपने बयानों से बीजेपी को मुश्किल में भी डाल रहे हैं। जब इनको टिकट मिला तो इन्होंने कह दिया कि हम बड़े नेता हैं, सोचा दिन में 6-7 रैलियां करूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दिया, अब चुनाव लड़ने का मूड नहीं, लेकिन फिर चुनाव तो लड़ना ही है। ऐसे में इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 की हॉट सीट पर कांग्रेस से जीत छीनने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और कांग्रेस के संजय शुक्ला उन्हें भरपूर टक्कर दे रहे हैं। देखना होगा कि शाम को एग्जिट पोल क्या कहता है। कमलनाथ की सीट का क्या होगा, पूर्व सीएम कमलनाथ अपने गढ़ छिंदवाड़ा से ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनको टक्कर देने के लिए बंटी विवेक साहू मैदान में उतरे हैं। इस सीट के एग्जिट पोल के नतीजे को देखना दिलचस्प होगा कि बंटी साहू जीतते हैं या फिर कमलनाथ एक तरफा जीत दर्ज कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शाम को फिर 3 दिसंबर को रिजल्ट क्या रहने वाले हैं। जितने भी नाम आपको बताए हैं वो सभी हॉट सीट हैं और सभी की नजरें इन पर टिकी हैं। पहले एग्जिट पोल बताएंगे कि इन सीटों पर इन उम्मीदवारों की किस्मत क्या कहती है और उसके बाद फिर 3 दिसंबर की तारीख असल फैसला करेगी कि इनका होता क्या है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।